इंदौर शहर में व्यापारियों की दुकान पर लगी बोर्ड पर नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा गुरुवार को 85 वार्डों के प्रमुख चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जनता पर भार बनने वाली इस नई होर्डिंग नीति को वापस लिया जाना चाहिए। स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 रहे इंदौर शहर की कार्यप्रणाली स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रही है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर नगर निगम दिवाली बाद से शहर की दुकानों पर फर्म के लगने वाले बोर्ड को लेकर टैक्स वसूली करने की कार्यवाही में है। वहीं दूसरी ओर शहर के व्यापारियों का एक बड़ा समूह नगर निगम के इस फैसले के विरुद्ध में है, तो अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा पकड़ लिया है। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने बताया कि निगम द्वारा टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। इसी के चलते आज शहर के सभी 85 वार्डों में व्यापारियों व आमजन का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान लगने वाले टैक्स को लेकर विरोध जाहिर किया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित तमाम जनप्रतिनिधि, नेता और पदाधिकारी सक्रिय दिखे। जैसा कि नगर निगम के द्वारा इनका ऐसा कहना है कि 2017 में कोई कानून राज्य सरकार ने बनाया था कि अपनी दुकान के ऊपर, खुद की दुकान के ऊपर अगर 3 फुट चौड़ाई से ज्यादा कोई भी बोर्ड लगाएगा तो उसको अलग से कर देना पड़ेगा। विज्ञापन करके एक नई नीति चालू हुई जिसको हम लोग काला कानून कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों की सरकार आ गई। मेरी खुद की दुकान जहां हम हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, हर तरह का वो कर चुका रहे हैं जो नगर निगम ने पहले से निर्धारित कर रखा है, उसके बावजूद अगर मेरी खुद की दुकान पे अगर कमर्शियल कोई विज्ञापन लगा है, किसी कंपनी का विज्ञापन लगा है, तो फिर भी मानते हैं कि चलो देव को ठीक नहीं है, ठीक है वो। लेकिन अगर आम आदमी, क्योंकि आम आदमियों की संख्या, खुद के प्रतिष्ठानों की संख्या बहुत ज़्यादा इंदौर शहर में, और अगर हम बोर्ड की भी गिनती करेंगे तो ये नगर निगम के लोग बीजेपी के नेताओं को भी, महापौर को भी, सबको गलत जानकारी दे रहे हैं कि 32,000-40,000 बोर्ड ही है, लाखों की संख्या में बोर्ड है। अभी हम शहर में घूम रहे हैं, 3 फीट चौड़ाई में होता क्या है, कहाँ आदमी का नाम लिखेगा, कहाँ फोटो लगाएगा, कहाँ अपना प्रचार प्रसार करेगा। पहले ही कोविड के कारण इंदौर शहर की और मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे इंदौर शहर के 85 चौराहों पे 85 जगह कांग्रेस पार्टी आदरणीय विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में सब जगह हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है, व्यापारियों की आवाज़ बनकर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। आज ये हस्ताक्षर अभियान है कि ये जो जजिया कर लगाया है, ये जो काला कानून या काला कर लाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस पार्टी किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होने देगी। इसलिए हम लोग आज ये व्यापारियों से, दुकान वालों से सब हस्ताक्षर करवा रहे हैं। अगली कड़ी में सभी दुकानों पर जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वाकई में आप ये अंधेर नगरी चौपट राजा से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर सांस भी लो। देखिए, हम तो बार बार बोलते हैं कि दिल्ली से लेके भोपाल से लेके इंदौर नगर निगम में गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार बैठी है। हम तो जनता को भी जगाना चाहते हैं, हम भी जागते रहना चाहते हैं ताकि उनको जागृत करें कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने तुमको भी आगे आना पड़ेगा। हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं, हम पे लोग उंगली उठाएंगे कि इतने बड़े घोषणा बनाई कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और नगर निगम टैक्स लगा रहा है, तो विपक्ष कहाँ है? ये लूले लंगड़े लोगों पे कोई, गूंगे बहरों पे कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इस शहर की जनता और व्यापारी जागृत होंगे, ये मेरा दावा है। ये वार्ड नंबर 23 परदेसीपुरा 2 नंबर विधानसभा का, जहाँ का मेरी मिसेज पार्षद विनीता धर्मेंद्र, वहाँ पे ये आंदोलन रखा गया। देखा गया कि पूर्व मंत्री भी आए हैं, नेता प्रतिपक्ष, लगभग 1,000 आदमियों ने हस्ताक्षर में अभियान में भाग लिया, और व्यापारी लोग, रिक्शा चलाने वाले, आम जनता, सभी ने हस्ताक्षर अभियान को सक्सेस कराया। क्या कहेंगे आप ये बोर्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन? ये जजिया कर जो लगाया गया है 2017 में लागू करा था, पूर्व महापौर ने भी इसको पोस्टपोन कर दिया था 5 साल के लिए, जो भी उनका कार्यकाल रहा,
फिर नए महापौर को ये लागू नहीं करना था, इससे जन पहले कोविड काल में व्यापारियों की हालत खराब।